Now next one, previous session में just discuss किया था about string class. इस session में just मैं discuss करूँगा about string buffer and string builder. First of all, सबसे पहले मैं आपको inform करना चाहूँगा string buffer और string builder के almost सारे के सारे property और functionality कैसे हैं exactly same excepting single difference. ये single difference क्या है just इस session के end में discuss करूँगा in details. सबसे पहले मैं discuss करना चाहूँगा what is the advantage of string buffer और string builder over the string class. सबसे पहले मैं string के केस में आपको एक drawback highlight करूँगा, then drawback की basis पर string buffer और string builder का property आपके लिए easily समझना possible. First of all, string के respect मत करें, string के सारे objects कैसे थे, strings are immutable objects, whereas string buffer and string builders are mutable objects in Java. Means string buffer class का जब भी आप कोई object create कर दो या string builder class को object create कर दो, string buffer और string builder के object किस type के, mutable objects. Mutable means changeable. String class का object create करने के बाद कभी भी आपके existing object में कोई भी changes perform करना possible नहीं था, जबकि string buffer और string builder class के existing object में आपके कोई भी changes perform करना possible है. तो सबसे पहले इस problem को explain करने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक simple example provide कर रहा हूँ regarding string class. देन आपके लिए स्ट्रिंग बफर का प्रोसेस आपके लिए इजीली समझना पॉसिबल है. सबसे पहले अगर बात करूं व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इम्यूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग, देन मैं डिस्कस करूंगा डिसएडवांटेज ऑफ इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज. वन मोर थिंग्स, तीनों ही क्लासेस के केस में अगर पर्पस की बात करें तो तीनों ही क्लासेस का मेन पर्पस क्या है, स्टोरिंग स्ट्रिंग टाइप्स ऑफ कंटेंट. मींस स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स में भी स्टोर किया गया हुआ स्ट्रिंग टाइप्स ऑफ कंटेंट, मींस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. सेम है स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में भी किस टाइप का इन्फॉर्मेशन स्टोर कराएंगे, ऑल्सो स्ट्रिंग टाइप. देन आप किस सिचुएशन में आपके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट या किस टाइप का क्लास आपके लिए यूजफुल है, डिपेंड्स अपॉन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स. सारे के सारे केस डिस्कस करूंगा. सबसे पहले फोर एग्जाम्पल्स, सपोज अगर आपने स्ट्रिंग क्लास के केस में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर स्ट्रिंग क्लास के टोटल 100 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए ट्राई किया है, लाइक एस वन इक्वल्स टू सम कंटेंट्स लाइक ए बी सी, क्लियर. देन अगेन एस टू इक्वल्स टू, एस टू के केस में भी मैंने आसान क्या किया, ऑल्सो सेम कंटेंट्स ए बी सी. देन एस थ्री, एस थ्री के केस में आसान किया मैंने, अगेन ए बी सी. इस टाइप से प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी प्रोग्राम्स के अंदर 100 डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर मैंने सभी टोटल इस केस में स्ट्रिंग क्लास के में ऑब्जेक्ट्स कितने क्रिएट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, 100 डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. लेकिन सभी 100 ऑब्जेक्ट्स के केसेस में कंटेंट्स कैसे हैं, इनकी स्टेट कैसी, सेम और डिफरेंट डिफरेंट, मीन्स सेम स्टेट, मीन्स सभी रेफरेंस वैल्यूज मैंने आसान किया है ए बी सी ए बी सी ए बी सी. देन फाइनली स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस केस में 100 में से ऑब्जेक्ट्स 100 टाइम एलोकेट होंगे और ओनली वन टाइम इस मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग क्लास के टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट. प्लस सेम ऑब्जेक्ट शेयर कौन कर रहा है, एस वन एस टू एस थ्री एंड रिमेनिंग ऑल 100 रेफरेंस वेरिएबल्स. मीन्स ऑल डिफरेंस वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को शेयर करें, सेपरेट मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हुआ है, मीन्स ओनली सिंगल मेमोरी एलोकेशन. जबकि फिजिकली आपने टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए ट्राई किया है, इस केस में 100 टाइम्स, क्लियर. दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल मेमोरी. नेक्स्ट वन, व्हाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, मीन्स स्ट्रिंग के केस में इनका अगर टाइप इम्यूटेबल बनाया है, इसका मेन एडवांटेज क्या है. सपोज अगर स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स चेंजेबल होते, देन इसका मतलब क्या है, मीन्स हो सकता है आपने एस वन के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट्स में अगर कोई चेंजेस परफॉर्म किया, लाइक एस वन इक्वल्स टू एस वन प्लस एक्स वाई जेड, मीन्स एस वन के केसेस में आप अपेंड क्या करा रहे हो, एक्स वाई जेड. अगर ये ऑब्जेक्ट चेंजेबल होता देन इस ऑब्जेक्ट में न्यू कंटेंट्स क्या आसान होते, ए बी सी देन एक्स वाई जेड. मीन्स करेंटली आपने चेंजेस किसके थ्रू किए, यूजिंग S1, लेकिन इनडायरेक्टली चेंजेस रिफ्लेक्ट किसके लिए होना है, ऑल्सो फॉर एस टू ऑल्सो फॉर एस थ्री और ऑल रिमेनिंग रेफरेंस वेरिएबल्स. मीन्स चेंजेस ओनली एस वन के लिए ट्राई किए, लेकिन चेंजेस इनडायरेक्टली किसके लिए परफॉर्म हो रहे हैं, रिमेनिंग ऑल 100 रेफरेंस वेरिएबल्स और 99 रेफरेंस वेरिएबल. देन इस केस में डेटा इनकंसिस्टेंसी जनरेट होने के चांसेस हैं. इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जैसे स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट किस टाइप के, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, मीन्स इस केस में S2, S3, S4 और S100 सारे के सारे रेफरेंस वेरिएबल और सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन प्रोसेस मीन्स श्योर है इस केस में. मीन्स अगर ए बी सी साइन किया देन होल टाइम्स और होल एग्जीक्यूशन इस ऑब्जेक्ट के अंदर ओनली एक्सपेक्टेड कंटेंट्स क्या रहेंगे, ऑलवेज ए बी सी. मीन्स इसका मतलब इम्यूटेबल की वजह से इसमें चेंजेस होना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मीन्स मल्टीपल एलोकेशन परफॉर्म करा के ओनली एलोकेशन कितने परफॉर्म हो रहे हैं, ओनली सिंगल एलोकेशन.
लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के इम्यूटेबल प्रॉपर्टी का डिसएडवांटेज क्या है? फॉर एग्जांपल अगेन मैं इस केस में हाईलाइट क्या कर रहा हूँ, डिसएडवांटेज ऑफ इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल्स अगेन मैंने स्ट्रिंग क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लाइक स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, सप्लाई किया सम कंटेंट्स एस ए बी सी। एंड इस पर्टिकुलर केस में हीप मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा प्लस इस ऑब्जेक्ट में कंटेंट्स क्या समझ जाएंगे एज ए बी सी, सपोज दैट एड्रेस क्या एंड इट डजंट मैटर। देन फाइनली से ए बी सी रेफरेंस में से ए बी सी ऑब्जेक्ट का एड्रेस किस में पास हो रहा है, रेफरेंस वेरिएबल एस। फाइनली ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पॉइंट किसके थ्रू हो रहा है, एस के थ्रू। नेक्स्ट टाइम अगर एस के थ्रू मैं सेम ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस परफॉर्म करा दें लाइक एस इक्वल्स टू एस प्लस एक्स वाई जेड, क्लियर लाइक दैट। देन इस पर्टिकुलर केस में जब कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट मॉडिफाई होगा, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इस रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए कंप्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इस न्यू ऑब्जेक्ट में स्टोर क्या हो जाएगा ए बी सी और ए बी सी के साथ अपेंड क्या हो रहा है एक्स वाई जेड, क्लियर। अगेन न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ प्लस न्यू ऑब्जेक्ट का एड्रेस अगेन किस में आसान हो रहा है, रेफरेंस वेरिएबल एस। देन नेक्स्ट टाइम सेम रेफरेंस वेरिएबल ऑफ सेम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा न्यू ऑब्जेक्ट, असाइनमेंट की वजह से पॉइंट किसको करेगा न्यू ऑब्जेक्ट। मीन्स इस केस में टोटल अभी तक कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं, मीन्स थ्री ऑब्जेक्ट्स ए बी सी प्लस डबल कोट्स के थ्रू एक और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ लाइक दैट। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर है एक्स वाई जेड, मैं इस टाइप का कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। फाइनली टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं इस केस में, थ्री ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट टाइम मैं सपोज अगर इसे स्ट्रिंग को अपर केस या कंप्लीटली लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यूज क्या करेंगे एस इक्वल्स टू एस डॉट टू लोअर केस। इस लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए मेथड क्या था, टू लोअर केस मेथड। जैसे ही मेथड कॉल होगा था अगेन एस के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं सारे के सारे कंटेंट्स लोअर केस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे लाइक ए बी सी। प्लस लोअर केस में कन्वर्ट होने के बाद रिजल्ट्स सेम ऑब्जेक्ट में स्टोर होंगे, अगेन कंप्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, अगेन न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। प्लस न्यू ऑब्जेक्ट का रेफरेंस फिर से आसान किस में हो रहा है, रेफरेंस वेरिएबल एस। अगेन नेक्स्ट टाइम सेम रेफरेंस वेरिएबल एस पॉइंट किसको करेगा, न्यू ऑब्जेक्ट को। सपोज दैट इस टाइप से अगर स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में आप टोटल 100 ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, 100 ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग के कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होने के चांसेस होंगे, देयर मे बी अ चांस ऑफ क्रिएटिंग 100 डिफरेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, क्लियर। मीन्स आपका रेफरेंस कितना, ओनली सिंगल रेफरेंस, ठीक है, सिंगल रेफरेंस के ऑपरेशंस की या मल्टीपल ऑपरेशंस की वजह से टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए, देयर मे बी चांस ऑफ क्रिएटिंग मोर देन 100 ऑब्जेक्ट। दिस इज द लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रिंग इम्यूटेबल प्रॉपर्टी, क्लियर। मीन्स स्ट्रिंग बेस्ट चॉइस कब है, अगर आप सिंपली स्ट्रिंग में आप कंटेंट स्टोर कराना चाहते हैं, कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, देन उसके इसमें स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज अ बेस्ट चॉइस। बट सपोज दैट सेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में आप मल्टीपल चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं, इसके इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होने के चांसेस हैं, इसके इसमें स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज अ वर्स्ट चॉइस। देन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट केस क्या है, गो थ्रू आइदर स्ट्रिंग बिल्डर क्लास और स्ट्रिंग बफर क्लास, क्लियर। सेम केस में एक्सप्लेन करूं बाई यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर। सपोज दैट नेक्स्ट टाइम सेम एग्जांपल एक्सप्लेन करें यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर, क्रिएट किया ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर एस वी इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर देन स्ट्रिंग बिल्डर के केस में कंटेंट्स क्या आसान किए कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू ऑल्सो ए बी सी। इस केस में क्रिएट किया हुआ स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट प्लस ऐसे स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट में कंटेंट्स क्या आसान हुए हैं कंटेंट्स एज ए बी सी प्लस इसका रेफरेंस और एड्रेस किस में आसान हो रहा है एस बी में। देन सेम रेफरेंस वेरमीस ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अब पॉइंट किसके थ्रू होगा रेफरेंस वेरिएबल एस बी, नाउ एस बी पॉइंटिंग दैट लोकेशन, क्लियर। नेक्स्ट टाइम स्ट्रिंग के केस मैंने कोई ऑपरेशन अप्लाई किया लाइक एस बी इक्वल्स टू एस बी डॉट, मीन्स प्रीवियस केस मैंने एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में अपेंड क्या कराया था एक्स वाई जेड यूजिंग प्लस ऑपरेटर। स्पेशली याद रखना प्लस ऑपरेटर के थ्रू कॉन्केटिनेशन ओनली स्ट्रिंग के केस में पॉसिबल होंगे, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर। मीन्स स्ट्रिंग बिल्डर को डायरेक्टली कभी इस टाइप से कॉन्केट कराना पॉसिबल नहीं है। देन इस केस मैंने राइट डाउन किया जा एस बी डॉट अपेंड मेथड, सिंपली कॉल क्या किया जा अपेंड मेथड। मीन्स स्ट्रिंग बफर को या स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग के साथ कॉन्क्रीट कराना पॉसिबल, लेकिन अदर टाइप्स के कंटेंट्स के साथ कॉन्क्रीट कराना पॉसिबल नहीं। देन इस केस में पास किया जाए
एक्स वाई जेड नेक्स्ट टाइम। देन प्रीवियस केस में जब मैंने एक्स वाई जेड को कॉन्क्रीट या अपेंड किया था ना, इस केस में न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था। लेकिन स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं? एज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। म्यूटेबल मीन से एग्जिस्टिंग, जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो वो ऑपरेशन ऑलवेज एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। देन इसका मतलब क्या मीन इस केस में एक्स वाई जेड के लिए न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, एक्स वाई जेड सेम एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के साथ अपेंड हो जाए, दिस इज द रिजल्ट ऑफ आफ्टर दैट ऑपरेशन। क्लियर? अभी भी मीन प्रीवियस केस में आपके पास इनिशियली ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, लेकिन ऑपरेशन से अप्लाई करने के बाद अभी भी स्ट्रिंग बिल्डर टाइप के कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? अगेन ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट। क्लियर? सपोज दैट फिर से मैंने कोई ऑपरेशन अप्लाई किया जाए, एस बी इक्वल्स टू एस बी अपेंड और अगेन अपेंडिंग न्यू स्ट्रिंग एज अ पी क्यू आर, देन अगेन पी क्यू आर अपेंड किसमें हो जाएगा? न्यू स्ट्रिंग में एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग बिल्डर के साथ अपेंड क्या हो रहा है? कंटेंट्स एज पी क्यू आर। इस केस में इस प्रोसेस में टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए? थ्री डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट और ओनली वन ऑब्जेक्ट, ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट। दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर। इस अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप इस स्ट्रिंग के साथ अगर मल्टीपल टाइम्स अपडेट ऑपरेशंस परफॉर्म करा रहे हैं, बार बार चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं, देन स्ट्रिंग इज अ वर्स्ट चॉइस। देन इस केस में बेस्ट चॉइस क्या रहेगा आपके लिए? गो थ्रू आइदर स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर। अगेन मैं कंपेयर करूंगा स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, मीन्स स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में कौन सा क्लास आपके लिए रिकमेंड होगा, अगेन डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। स्ट्रिंग बफर की बात करें, स्ट्रिंग बफर के अंदर सारे के सारे मोस्ट ऑफ मेथड डिक्लेयर किए हैं एज अ सिंक्रोनाइज्ड मेथड, देयरफॉर स्ट्रिंग बफर इज अ थ्रेड सेफ क्लास। स्ट्रिंग बफर के केस में स्ट्रिंग बफर का टाइप क्या है? इट इज अ थ्रेड सेफ क्लास, बिकॉज ऑल मेथड और मोस्ट ऑफ मेथड्स आर डिक्लेयर्ड एज सिंक्रोनाइज्ड इनसाइड स्ट्रिंग बफर क्लास। लेकिन अगर स्ट्रिंग बिल्डर क्लास की बात करें, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के अंदर कोई भी मेथड सिंक्रोनाइज्ड नहीं, इसलिए स्ट्रिंग बिल्डर का टाइप क्या है? नॉन थ्रेड सेफ। थ्रेड सेफ और नॉन थ्रेड सेफ में मेन डिफरेंस क्या रहता है? थ्रेड सेफ ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम ओनली सिंगल थ्रेड के थ्रू मैनिपुलेट या एक्सेस करना पॉसिबल होता है, जबकि नॉन थ्रेड सेफ ऑब्जेक्ट एट ए टाइम मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू चेंजेस करना या एक्सेस करना पॉसिबल है। क्लियर? सपोज दैट अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, अगर आप वो ऑब्जेक्ट मल्टीपल थ्रेड्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स के लिए अलाउ करना चाहते हैं, आप यूज क्या करोगे? स्ट्रिंग बफर, सॉरी स्ट्रिंग बिल्डर। अगर आप स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट को ओनली सिंगल थ्रेड के लिए अलाउ करना चाहते हैं, उसके इसमें यूज क्या करेंगे? स्ट्रिंग बफर क्लास। क्लियर? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर। अगेन मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सपोज दैट अगर आप स्ट्रिंग के साथ मल्टीपल टाइम्स या फ्रिक्वेंटली अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, देन आपकी बेस्ट चॉइस क्या? गो थ्रू आइदर स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। नेक्स्ट वन, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में कौन सा केस आपके लिए बेस्ट हुआ? अगेन डिपेंड्स अपॉन सिचुएशंस। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को सिंगल थ्रेड के लिए अलाउ करना चाहते हो, देन यूज क्या करोगे? स्ट्रिंग बफर। अगर मल्टीपल थ्रेड्स के लिए अलाउ करना चाहते हो, देन यूज क्या करेंगे? स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। क्लियर? अगेन नेक्स्ट वन, स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के टोटल आपके पास वे कितने थे? देयर आर टू अप्रोच, आइदर बाय यूजिंग डबल कोट्स और बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। जबकि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट ओनली न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करना पॉसिबिलिटी, नॉट एप्लीकेबल फॉर डबल कोट्स। फॉर एग्जांपल्स, अगर फर्स्ट केस में, इस पर्टिकुलर केस में अगर डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करा था लाइक दैट, देन ये केस वैलिड होगा इनवैलिड? इट इज इनवैलिड केस, बिकॉज डबल कोट्स के केस में ऑब्जेक्ट किस टाइप का कंसिडर होगा? स्ट्रिंग टाइप का। जबकि असाइनमेंट किसमें करा रहे हैं? स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग बिल्डर में, स्ट्रिंग बिल्डर टाइप। मीन्स ऑब्जेक्ट टाइप और रेफरेंस टाइप दोनों ही टाइप कैसे हैं? सेम और डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट। रेज क्या हुआ? कंपाइल टाइम एरर इन कॉम्पैटिबल टाइप्स फाउंड स्ट्रिंग रिक्वायर्ड स्ट्रिंग बिल्डर। इसलिए स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट ओनली न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करना पॉसिबल, ओनली बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। अदर वन, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटर के थ्रू ओनली स्ट्रिंग के केस में परफॉर्म करना पॉसिबिलिटी, नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर। सपोज दैट अगर मैं इस फर्स्ट केस में राइट डाउन करता हूं, न्यू शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, स्ट्रिंग बिल्डर देन एबीसी। अगर इस केस में राइट डाउन किया लाइक दैट, एस बी इक्वल्स टू एस बी प्लस एक्स वाई जेड, ये ऑपरेशन मीन्स इस केस में अगर आपको बोला जाए टोटल टू ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे, कॉन्केटिनेशन एंड असाइनमेंट। इस केस में इनवैलिड ऑपरेशन कौन सा है? कॉन्केटिनेशन और असाइनमेंट।
इनवैलिड ऑपरेशन इज असाइनमेंट नॉट अ कॉन्केटिनेशन, क्योंकि कॉन्केटिनेशन की केस में सेकंड ऑपरेंड क्या है स्ट्रिंग, और ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया स्ट्रिंग के साथ किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को कॉन्केट कराना पॉसिबल है। लेकिन इस केस में स्ट्रिंग बिल्डर के कंटेंट्स क्या है ए बी सी, जब कॉन्केटिनेट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा ए बी सी एक्स वाई जेड। लेकिन चेक करो इस केस में अगेन इस रिजल्ट का टाइप क्या है, जब भी स्ट्रिंग के साथ किसी भी टाइप के वैल्यूज को कॉन्केट कर दें रिजल्ट किस फॉर्मेट में आता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, लेकिन असाइनमेंट किसमें कर रहा है एस बी में, और एस बी का टाइप क्या है स्ट्रिंग बिल्डर टाइप। अगेन स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग बिल्डर में असाइनमेंट करना पॉसिबल नहीं है। सपोज दैट इस केस में एस बी में असाइन करके अगर मैं सेपरेट रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करता हूँ स्ट्रिंग टाइप एस इक्वल टू देन ए, असाइनमेंट कैसा है असाइनमेंट भी वैलिड है प्लस कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन भी वैलिड है। वन मोर थिंग, स्ट्रिंग क्लास ने टू एक्स्ट्रा मेथड्स ओवरराइड किए हैं equals and hash code method, but string buffer or string builder class doesn't overriding equals method, doesn't overriding hash code method। ये दोनों प्रॉपर्टी मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा जस्ट इन नेक्स्ट सेशन, क्लियर। जस्ट इससे जस्ट पहले अगेन string buffer और string builder को डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपके लिए अगेन ईजिली अंडरस्टैंड करना पॉसिबल है। इन दैट केस फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग की केस में राइट डाउन किया स्ट्रिंग एस वन इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग की केस में सम कंटेंट्स असाइन किया जाए ए बी सी, क्लियर। देन स्ट्रिंग का मैंने एक और रेफरेंस वैल्यू क्रिएट किया जाए स्ट्रिंग एस टू इक्वल टू S1, string S2 equals to S1, then S1 equals to S1 dot concat some another string like a D, E, F, clear। Next one, write down क्या system dot out dot println S1 equal equal S2। सेम एग्जाम्पल में अगेन साइड में एक्सप्लेन करूँ विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। सबसे पहले इसका आप डायग्राम चेक करोगे, इस पर्टिकुलर केस में डायग्राम के रिस्पेक्ट मत करना, टोटल टू लोकल वेरिएबल्स क्रिएट हुए S1 एंड S2, S1 एंड S2। सबसे पहले S1 में क्या आसान किया न्यू कीवर्ड के थ्रू अपडेट क्रिएट किया, आसान क्या हुआ इसके अंदर ए बी सी, तो S1 के रिस्पेक्ट में हीप मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग क्लास का कंप्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एड्रेस समथिंग 100 प्लस इस ऑब्जेक्ट में कंटेंट्स असाइन किए जाए ए बी सी लाइक दैट प्लस इसका एड्रेस 100 या 100 कॉपी किस में जाएगा एस वन में, एस वन इस लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा। सेकेंड केस में इस केस में क्या है एस टू, देन एस टू के अंदर मैंने कॉपी क्या किया एस वन और एस वन में 100 है, देन सेम 100 कॉपी किस में हो रहा है एस टू में। देन अगेन मीन्स फाइनली इस सिंगल ऑब्जेक्ट के टोटल आपके पास इस प्रोग्राम में रेफरेंस कितने हैं, देर आर टू रेफरेंस, क्लियर। नेक्स्ट वन, लेकिन सेकेंड टाइम मैंने परफॉर्म किया स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेशंस, देन एस वन के एग्जिस्टिंग कंटेंट्स में एस वन जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करा इसके एग्जिस्टिंग कंटेंट्स क्या हैं ए बी सी प्लस एग्जिस्टिंग कंटेंट्स के साथ कॉन्केट क्या हो रहा है डी ई एफ प्लस आपको ऑलरेडी पता है स्ट्रिंग के अंदर कभी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंजेस पॉसिबल नहीं है, जब इस ऑब्जेक्ट इस मेथड का रिजल्ट स्टोर होगा तो रिजल्ट को स्टोर करने के लिए अगेन कम्प्लीटली न्यू सेपरेट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। एज्यूम करो सपोज दैट इसका एड्रेस 200 है, देन कॉन्केट मेथड इसके इसमें रिटर्न क्या करेगा न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का बेस एड्रेस समथिंग 200 प्लस ये 200 असाइन किस में हो रहा है एस वन में, जैसे एस वन का न्यू वैल्यू क्या है 200, जब एस वन में 100 था देन ये पॉइंट किसको हो रहा था 100 ऑब्जेक्ट, लेकिन अब करेंटली क्या स्टोर है इसमें 200 पॉइंट क्या होगा इसके थ्रू 200 ऑब्जेक्ट। देन इसके इसमें कंपेरिजन परफॉर्म करा है एस वन इक्वल इक्वल एस टू, मीन फाइनली अभी तक टोटल आपके पास स्ट्रिंग टाइप के कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं टू ऑब्जेक्ट्स। एस वन के केस में एस वन का वैल्यू क्या है एस वन में क्या है 200 इक्वल इक्वल एस टू में क्या है 100, मीन फाइनली इसका रिजल्ट क्या आएगा ट्रू और फॉल्स फॉल्स, क्योंकि एस वन और एस टू डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं। देन मीन मॉनिटर के रिस्पेक्ट में बात करें तो फाइनली इस केस में आउटपुट क्या डिस्प्ले हुआ रिजल्ट एज फॉल्स। सेम केस में अगेन एक्सप्लेन करें विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर दोनों के थ्रू एक्सप्लेन करें, मीन दोनों ही केस में सेम कॉन्सेप्ट होगा, इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस केस में एज अ यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर। आप स्ट्रिंग बिल्डर भी ले सकते हो और स्ट्रिंग बफर भी लेना पॉसिबल है।
क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम। डिफरेंस क्या है, थ्रेड शेप और नॉन थ्रेड शेप। स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अगेन मैंने इसे स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया बाय यूजिंग ए बी सी। नेक्स्ट वन, सेकंड स्टेटमेंट क्या था, स्ट्रिंग एस टू इक्वल्स टू एस वन, या स्ट्रिंग को रिप्लेस कैसे कराना है, स्ट्रिंग बिल्डर से। इसलिए स्ट्रिंग बिल्डर का मैंने एक और रेफरेंस वैल्यू यूज किया, स्ट्रिंग बिल्डर फर्स्ट केस में एज्यूम कर लो एज एस बी वन, एस बी वन इक्वल्स टू एंड एस बी टू असाइन कराया मैंने एज एस बी वन। नेक्स्ट टाइम एस बी वन इक्वल्स टू एस बी वन डॉट कॉनकेट, सॉरी स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर इक्विवेलेंट मेथड कौन सा है, अपेंड मेथड। इसलिए कॉनकेट के प्लेस पर यूज क्या करेंगे एज अपेंड मेथड। देन मैंने अगेन अपेंड कराया सेम कंटेंट्स डी ई एफ, देन परफॉर्म कराया कंपेरिजन बिटवीन एस बी वन और एस बी टू, एस बी वन इक्वल इक्वल एस बी टू, देन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन केस। मीन्स दोनों केस में लॉजिक सेम है, ओनली डिफरेंस क्या है, फर्स्ट केस में सेम लॉजिक टेस्ट की यूजिंग स्ट्रिंग, सेकेंड केस में सेम लॉजिक टेस्ट की यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर। आप स्ट्रिंग बिल्डर के प्लेस पर स्ट्रिंग बफर भी यूज करो तभी भी सेम केस जनरेट होगा। इन दैट केस अगेन स्ट्रिंग मीन्स इन दैट केस स्टैक के अंदर टोटल टू लोकल वेरिएबल्स क्रिएट होना है एस वी वन एंड एस वी टू। नेक्स्ट थिंग्स, फर्स्ट केस में क्रिएट हुआ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर इन साइड हीप एरिया। हीप एरिया के अंदर जब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एड्रेस समथिंग 100, कंटेंट्स क्या आसान हो रहा है इसके अंदर एज ए बी सी, क्लियर। देन से रिटर्न क्या हुआ, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का एड्रेस 100, 100 आसान हो जाएगा इन साइड एस वी वन, यानी एस वी वन इस लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट केस सेम एस वी वन के कंटेंट्स, एस वी वन में क्या है 100, सेम 100 असाइन किस में हो रहा है इन साइड एस वी टू, देन रेफरेंस वेरिएबल स्ट्रिंग बफर टू और एस वी टू पॉइंट किस को करेगा, सेम ऑब्जेक्ट, क्लियर। दिस इज द सेम एज प्रीवियस केस टिल नाउ। नेक्स्ट वन, इस केस में जैसे ही आप अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे एस वी वन रेफरेंस वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करा है, सो ऑब्जेक्ट के एंड में अपेंड क्या हो जाएगा डी एफ। प्रीवियस केस में जब डी एफ अपेंड कराया था ए बी सी में, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, लेकिन बिकॉज स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट कैसे इम्यूटेबल, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर की बात करें तो स्ट्रिंग बिल्डर कैसे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, जैसे आप कोई भी चेंजेस परफॉर्म करते हैं चेंजेस न्यू ऑब्जेक्ट में स्टोर होंगे, सेम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, सेम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, सेम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में अपेंड क्या हो जाएगा डी ई एफ। मीन्स इस केस में स्ट्रिंग बिल्डर टाइप का कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है क्या, नहीं, देन ये रिटर्न क्या करेगा एड्रेस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट विच इज 100, देन ये 100 अगेन किस में साइन हो रहा है एस वी वन में, देयर इज नो चेंज। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद जब कंपेयर करें एस वी वन इक्वल इक्वल एस वी टू, मीन्स जिस ऑपरेशन के बाद अभी भी एस वी वन किसको पॉइंट करा, सेम ऑब्जेक्ट, देन एस वी वन के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे 100, और एस वी टू के प्लेस पर भी क्या रिप्लेस करेंगे ऑल्सो 100, दोनों केस में क्या सेम रेफरेंस वैल्यू, देन इस केस में रिजल्ट क्या आएगा ट्रू और फॉल्स, ट्रू, जबकि प्रीवियस केस में स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में रिजल्ट क्या मिला था फॉल्स, इस केस में रिजल्ट क्या आएगा रिजल्ट इज ट्रू। दिस इज द बेसिक डिफरेंस और प्रैक्टिकल डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर, क्लियर। नेक्स्ट केस में अगेन इसके एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू स्ट्रिंग बिल्डर क्लास।